अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भले मुस्लिम समाज गफलत की गहरी नींद में सो रहा हो और उसे आने वाले हालात का ना तो अंदाजा है और ना ही उसे इसकी परवाह है, अपनी जिंदगी में मस्त जी रहा है। लेकिन जिस तेजी से मुसलमानों के खिलाफ तहरीकें तेज हो चुकी हैं, महज सोचने से ही कि आगे क्या होने वाला है, दिल सहर जाता है। अब तक तो कोई भी कुछ भी बयानबाजी करता हुआ देखा जाता था और खासकर मुसलमानों के खिलाफ अल्लाह रसूल को लेकर, इस्लाम को लेकर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करने का एक सैलाब देखा गया। लेकिन अब बात और आगे बढ़ चुकी है। अब हथियारों को बेचना और स्कूली बच्चों में जहर को घोलने की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल और दिगर तंजीमों ने स्कूली बच्चों में मुसलमानों के खिलाफ पाठ पढ़ाना शुरू किया हुआ है। खैर, बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है और सोशल मीडिया के जरिए हिंदुओं को हथियार बेचने के इश्तिहारात भी चलाए जा रहे हैं। और जाहिर है ये हथियार किस लिए बेचे जा रहे हैं सभी जानते हैं। बेधड़क बेझिझक इस तरह के हरकतों पर कार्रवाई की बजाय हुकूमतें भी इसे नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा अकलियतों के खिलाफ हो रहे हमलों की निगरानी करने वाले एक्टिविस्ट ने जब रिपोर्ट की तो फेसबुक ने उस पोस्ट को हटाने से पहले इनकार कर दिया। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको लेकर पूछताछ की तो आखिर में इस पोस्ट को हटा गया। मतलब पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें और कई पोस्ट जो है सोशल मीडिया के जरिए अपलोड किए जा चुके हैं। बात किस हद तक पहुंची है इस पर सोचने की जरूरत है। WSJ की रिपोर्ट में बताया गया कि बजरंग दल के एक फोरम के कारकुन ने फेसबुक के जरिए पिस्टल, शॉटगन और गोलियां बेचने के इश्तिहारात की पोस्ट शाये की थी। द वॉल स्ट्रीट ने आगे अपनी रिपोर्ट में बजरंग दल को कट्टर हिंदुत्व तंजीम कहते हुए तशद्दुद वाले कारनामों का भी जिक्र करते हुए भारत में हुए कई फसादात के लिए बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया। अखबार के मुताबिक ऐसे कुल 8 पोस्ट 2022 के अप्रैल में ही सिर्फ शाया किए जा चुके। हिंदुत्व वॉच ने इसका पर्दाफाश किया जो भारत में मुसलमानों पर हिंदुत्व की जानिब से हुए हमलों की निगरानी करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के हथियार बेचने वाले इश्तिहारात में जो नंबर दिया था उसे रब्ता किया तो उसने कहा कि 11,000 रुपए में पिस्टल बेच दी जाएगी और वो पिस्टल हिंदुओं के तहफ्फुज के लिए होगी। हथियार को बेचना गैरकानूनी है, लिहाजा रिपोर्ट के बाद 7 फरवरी को पोस्ट को हटा दिया गया। इससे पहले इस तरह के हथियारों की खरीद फरोख्त हो चुकी है और आज भी हो रही है। क्या उस नंबर को कोई सहाफी फोन के जरिए हथियारों की कीमत जान सकता है या तहकीक कर सकता है, तो पुलिस को क्या मुश्किल है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। और ऐसा नहीं कि यह पहला मामला है, बल्कि ट्विटर के जरिए भी हिंदुओं को भड़काने और घरों में हथियार रखने की बात करते हुए हथियारों की तस्वीर और इनकी कीमत भी शाया की जा रही है। अब तो मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की भरमार हो चुकी है। भारत की राजधानी दिल्ली में 5 तारीख के सनातन धर्म संसद में भी मुसलमानों को मारने काटने के लिए हथियार रखने की बात खुले मंचों से की गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी शिमोगा में आकर कर्नाटक के हिंदुओं को तेज हथियारों से मुसलमानों को मारने की बात कही। यहाँ तक के मरकजी वजरात में बैठे अनुराग ठाकुर ने भी गोली मारो का नारा मुसलमानों के मद्देनजर ही लगाया था। जंतर मंतर पर हुए एहतजाज में स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया, स्कूली बच्चों के हाथों में मुसलमानों के खिलाफ तख्तियां देकर खड़ा किया गया। अब बात कहां तक पहुंची हुई है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुरियर के जरिए तलवारों की बड़ी खेप पुलिस की जानिब से पकड़ी गई। अब तो कुछ वजीफे याफ्ता फौज के लोग भी दूता तंजीमों का साथ देते हुए देखा जा रहा है। मुख्तलिफ गांवों देहातों में भी अब बजरंग दल RSS के कारकुनान का जाल फैलता ही जा रहा है। वही मुस्लिम समाज उतनी ही तेजी के साथ ख्वाब गफलत में नींद सो रहा है। हर रोज ये समाज बिखरता टूटता जा रहा है। मुसलमानों के इदारे भी अब कमजोर और नाकारा होते जा रहे हैं। दुनिया परस्ती और मुफाद परस्ती के नशे में किसी को भी जिंदगी के मकसद का एहसास ही नहीं रहा। गरीब और अमीर के दरमियान की खाई और बढ़ती जा रही है। गरीब अपने मसाइल में उलझता जा रहा है। एक बड़ी तादाद को तो 2 वक्त की रोटी की फिक्र सता रही है। शादी ब्याह से लेकर तालीम और बच्चों के मुस्तकबिल में इसे असल मकसद से ही गाफिल कर दिया है। तो अमीर अपनी दौलत को दुगनी करने, कारोबार को बढ़ाने और अपने बच्चों को बैरूनी ममालिक में भेजने की फिक्र में माशरे की जरा बराबर भी फिक्र इसको कहीं पर भी नजर नहीं आती। कुछ रुपये बतौर चंदा देकर मुसलमानों पर ही एहसान करने की बातें अमीरों को करते देखा जाता है। हालांकि ना तो अमीर बच सकता है ना गरीब बच सकता है, दोनों फिरका परस्तों के निशाने पर है। नौजवान नस्ल के सामने सिवाय मोबाइल ऐश परस्ती के कुछ नजर नहीं आ रहा। लड़कियां घरों के हालात, गरीबी, मुफलिसी के मद्देनजर गैरों के घरों में काम करती, गैरों की फैक्ट्रियों में काम करती, दुकानों में मुलाजमत करते हुए अपनी इज्जतों का तक सौदा करते हुए देखा जा रहा है। ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी देखी जा रही है रुपयों के लालच में गैरों के हवाले होते हुए
रोजाना देखने सुनने मिल रहे। इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से एक रिपोर्ट मुस्लिम लड़कियों की बढ़ती तादाद मुर्तद क्यों हो रही है इस पर पेश करेंगे। खैर, इन तमाम मसाइल के बाद शायद ही कोई मुस्लिम समाज में बच गया होगा जो मुस्लिम समाज के तहफ्फुज और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाला बच जाता होगा। अब ऐसा माशरा समाज कैसे मुशरिकीन की साजिशों का मुकाबला कर सकता है? इस तरह रिपोर्ट बारहा बनाने के पीछे वजह सिर्फ यही है कि ख्वाब गफलत से मिल्लत कब बाहर आएगी, कब बेदार होगी, दीनी सियासी रहनुमा अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे और मिल्लत का बड़ा तबका ऐश इशरत दुनिया की मोहब्बत से कब बाहर निकलेगा, कैसे फिरका परस्त लम्हा लम्हा साजिशों में मसरूफ है, वो हर लम्हा सर्फ कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, और जिस कौम को आखरत की बशारतें दी गई इसे दुनिया की मसरूफियत से ही फुर्सत नहीं, इतना सच है, जिसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, ये भी उससे ज्यादा सच है और यही हकीकत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आज कांग्रेस भवन में अखिलेती शोबे के जिम्मेदार हाजी अली हंडसगिरी के जेर निगरानी में दिगर जिम्मेदारान और कांग्रेस ब्लॉक सदारत को अहदे तकसीम किए गए। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अखिलेती शोबे के मुख्तलिफ जिम्मेदारान मौजूद रहे। तकरीबन एक साल से मैं बेलगाम जिले में आपके दरमियान घूम रहा हूँ। जाने हमारे सदर अब्दुल जब्बार साहब को क्या खूबी पसंद आई कि 3 BCCs की मुझे जिम्मेदारी दी गई। मैं मना भी किया था उनको, मेरी ताकत नहीं है सब नहीं करोगे, आपकी ताकत का अंदाजा करते ही मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ करके जब्बार साहब मुझे जो है बेलगाम भेजे। मैं आते ही पहले एक महीने में सब घुमा, यहाँ के चीज़ों से वाकिफ हुआ, लीडरों से मिला, मुलाकात करा, तब जाके मैं एक फैसले पे आया कि 3 DCCs चेंज करना है। तो मुझे गोल्ड एडिशन लेना था, उसमें मुझे जो कोऑपरेशन मिला हमारे जब्बार साहब का काबिल तारीफ है। तब जाके बात बनी कि 15,000 से एक असेंबली सेगमेंट में एनरोलमेंट कर सके। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप मुस्तकबिल में ना आशना ना होना, क्योंकि एक साल में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया लेवल इमरान खत्ताब बीड़ी साहब का MP से नवाजे पार्टी वाले, और यहाँ अब्दुल जब्बार साहब का मेम्बर से बनाए हैं। हमें किसी बात का डर नहीं कि हमारे पास लीडरशिप की कमी, वक्ता वक्ता पूरा करते आ रहे हैं। और सतीश जायसवाल साहब का भी ताउन बहुत रहा है हमारे कम्युनिटी के लिए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो दो लीडर जो हैं पार्टी का काम आगे चला रहे हैं। बेलगाम में तकरीबन 10 कंटेनरों के जरिए ईवीएम मशीनों को लाया गया। जल्द होने वाले चुनाव के मद्देनजर बेलगाम हिंडलगा के सिल्क फार्म हाउस के गोदामों में इन तमाम ईवीएम को रखा गया। तकरीबन 6,317 वोटिंग मशीनों को लाने की इत्तला हासिल हुई। तमाम कंटेनर हैदराबाद से लाए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು 2018 2023 ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ್ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆಜಾ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದೇ ಆದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮುನೋಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಂಬೋಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೋಂಡಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಂಡವಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವೇ ಬಂಡೆದ್ದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹಿಸದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡದೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಲೂಕನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ವರ್ಷಿ ರಾಜಕೀಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಏನು 12,000 ಫ್ರಿಜ್ ಗಳನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದಾರ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಏನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಎರಡನೇ ಮಜಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳೊಳಗೆ 2023ನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.